गुड मॉर्निंग। आजकल इतना प्लेजेंट मौसम है ना, सबसे पहले उठ के मुझे बालकनी का दरवाजा खोल के बाहर खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। आज कल लास्ट जब से मैं घर से आई हूँ, मतलब 10-15 दिन से मैं हर रोज इस बालकनी में हूँ चाहे उस बालकनी में खड़ी होती हूँ सुबह उठ के। एनीवेज आज पता है पहले तो बनेगी चाय। चाय का तो कोई वो नहीं है कि ना बने, उसके बाद आज मैं एक नई चीज ट्राई करूँ। पता है क्या है? एक तो भूल गई मैं क्या बोलना था। ये है रोल्ड ओट्स, हल्का सा मुझे रोस्ट करके तवे पे, उसके बाद इसका पाउडर बनाना है और मुझे इसका चिल्ला बनाना है। स्पेशल मैं इसलिए ये लेके आई हूँ। नमक प्याज काटा है चिल्ले के लिए नहीं, और ये लहसुन, ये मिर्ची, ये गाजर और ये टमाटर और ये चॉप किया हुआ प्याज, ये धनिया, ये दाल मैंने भिगो के रखी है, ये रात को भिगो के रखा था। दाल को भिगोने से क्या होता है ना, अगर दाल पे कुछ कलर लगा हो तो वो निकल जाता है। पहले मैं 2-3 बार वॉश करती हूँ, फिर मैं उसको भिगो के रख देती हूँ, कोई भी दाल हो। एक्चुअली दाल का ये जो डब्बा है ना, इसमें खत्म होने वाली थी दाल, इतनी सी थी, तो मैंने बोला डब्बे का तो वैसे भी धोना ही है, तो मैंने इसी में रात को डिप कर दी कि सुबह उठ के फिर मैं बना लूँगी और फिर ये डब्बा भी वॉश कर दूंगी। दो दो बर्तन क्यों वैसे मैंने ये जो देखा, जितना भी चिल्ला रोल्ड ओट्स का किसी ने बनाया नहीं था, सब लोगों ने नॉर्मल ओट्स का बनाया था। तो इसको वैसे भी मैं आटा बना के रखूँगी, रोटी बनाने के लिए भी सही है तो चिल्ला बनाने के लिए भी सही है। इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे पता नहीं वैसे बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं ये फिर व्लॉग अपलोड करूँगी कि नहीं, अगर नहीं बना तो मैं नहीं करूँगी, लोग मजाक बना रहे। ये सब रात को धो के रखे हुए थे बर्तन, यहाँ पे इसलिए रख देती हूँ कुर्सी के ऊपर कि क्या होता है कि फिर सूख जाते हैं। पर ये सूखे नहीं यार, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे है? हम ना इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, उसके बाद बनाएंगे इसका आटा। और चाय को मैंने बिल्कुल धीमे किया हुआ है, दाल में नमक डाल दिया, बस पानी डाल के इसको आधी सीटी आएगी, मतलब सीटी जैसी आने वाली होगी ना इसको बंद कर दूंगी। भिगो के आपकी गैस कम लगती है, इन इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप यूज करते हो, और कलर वाली बात तो मैंने आपको बता दी, जो कलर दाल पे लगा होता है जल्दी पक जाती है दाल। ये तो चलो मूंग की दाल है, एक सीटी में वैसे भी बन जाती है, भिगो के रखिए तब इसमें तो आधी सीटी की जरूरत। स्वादिष्ट स्वाद जो है उसका बढ़ जाता है, चाहे चावल भिगो के रखो, किनुआ भिगो के रखो, दाल भिगो के रखो। मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि हल्का सा ठंडा हो, फिर मैं इसको फटाफट से मिक्सी करूँ। और शिमला मिर्च मैंने बारीक बारीक काट दी, इसको ना मुझे चॉप करना है इसमें, फिर बनाएंगे हम चिल्ले का बैटर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, बिकॉज मैं कभी भी मैंने शिमला मिर्च किसी भी चिल्ले में आज तक ऐड नहीं की। मेरे बाद ऐसे कर रहे, पता नहीं मैंने कितने चिल्ले, मतलब मैंने कभी भी मैंने सिर्फ बेसन का चिल्ला ही बनाया, उसके अलावा और कोई। एक बार सूजी का ट्राई किया था मैंने बनाने का, पर मेरे से वो बना नहीं था। हाँ बेसन का ही बनाया मैंने, उसके अलावा और कोई भी ना कभी ट्राई किया। और साथ साथ में मैं तड़का लगा दूंगी मूंग दाल को, इसको बस ऑलमोस्ट पकने वाली है ये, और ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट और वेट कर रही हूँ। क्योंकि कभी भी आपको अगर आपने मिक्सी कहीं शॉप से जाके खरीदी है, भैया बोलते हैं नमक वाली चीज़ इसमें ग्राइंड ना करो और गरम चीज़ नहीं, ठंडी करके थोड़ा डाला करो, गरम नहीं करनी चाहिए। तो जी मैं इन सब बातों का काफ़ी सारा ध्यान रखती हूँ। तो जी मैंने रख दिया है ये आटा, थोड़ा बना नहीं अच्छे से मेरे को ऐसा लग रहा है ना, तो थोड़ा रह गया है इसमें ना, पर ठीक है। एनीवेज हम इसमें डालेंगे बेसन, मैं बैटर रेडी करूँगी, उसके बाद जो भी वेजिटेबल मैंने कट करके रखी है उनको ऐड करूँगी और थोड़ा ही बनाऊँगी, मुझे पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ, मुझे लगता है आटे को शायद छान लेती तो शायद ज़्यादा बेटर रहता शायद। मुझे इन सबको ना मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके बनाना है, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है कि नहीं बनेगा मेरे से। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी,
हमारी दाल भी बस ऑलमोस्ट 2 मिनट में बन के रेडी है। और चिल्ले के लिए मैंने हल्का सा इसके ऊपर ना ऑलिव ऑयल लगाया, सो दैट तवा चिपके ना, मतलब चिल्ला चिपके ना। और चाय मैंने पीनी है क्योंकि चाय ऐसे मैंने रखे हैं, बाद में पीते हैं थोड़ी देर के बाद, बनाना और सब काम पूरा कर लूँ। मुझे लग रहा है कहीं चिपक ना जाए, बट ट्राई कर रहे हैं, बट उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा मेरे को। टर्न तो हो गया, मुझे लग रहा था टर्न पे टूट जाएगा, शायद देखते हैं कैसा बनता है। एक तो बन गया और इनको देखती हूँ क्या बोलते हैं टेस्ट करके, और दूसरा मैंने डाल दिया, देखते हैं अभी इसको हम अपने डाइट में इंक्लूड रखते हैं नहीं। पहले मेरा मन पता क्या था, मैं मूंग दाल भी ऐड करके इसमें देखूँ, मैं सबसे पहले बेसन और ओट्स का करती हूँ। एक चिल्ला मैंने ना ऐसे पनीर डाल के ट्राई कर रही हूँ बनाने का, बन गया, आसान है, बना सकते हैं। ऐसे ग्राइंड करके बनाया, अगली बार एक चिल्ला ना मैं नॉर्मल ट्राई करके देखूंगी, लाइक जो जहाँ पे वेजिटेबल्स एकदम आपको दिखाई, शिमला मिर्च है ना, धनिया सब ऐसे दिखाई दी, इसमें तो पता नहीं चल रहा ना, चटनी जैसे लग रहा है। चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे धूप में लेट के, मेरे को थोड़ी सी धूप लग जाए। बहुत अच्छा लगा इनको ओट्स वाला चिल्ला, हाउसल पर नहीं भी खाया मैंने तो, मतलब अभी खाना खा रहा था, मैंने अपने 2 चिल्ले बना के रख लिए, चाय पी मैंने, और उसके पहले मुझे फ़ोन चलाना है 15-20 मिनट। एक तो मुझे नायका में हेयर स्टाइल, मेरा नायका से एक पार्सल आ रहा है उसका, मेरा चेहरा खराब हो गया था ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मुझे जो स्मैश बॉक्स का उन्होंने फ्री में प्राइमर दिया उसके साथ कहीं वो कुछ उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं थी शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। और एक कमेंट भी आया था, उन्होंने मुझे बोला कि अपना एक्सपायरी डेट चेक करो, मैंने फ़ोन चला लूँ, एक्चुअली क्या है ना, या तो ब्लॉग बना लूँ या फ़ोन चला लूँ। मुझे कई बार ना बहुत मन होता है, मेरी जैसे मेरी फ्रेंड है मेरी या कोई भी है, मैं उनसे बात करूँ, बट मैं व्लॉगिंग के चक्कर में बात नहीं कर पाती, मेरे को बहुत मन होता है। पहले कहते थे कैमरा से शूट करते थे तो बात कर पाते थे, आप कुछ भी आप काम कर रहे हो ना, अभी फ़ोन की वजह से मैं बात नहीं कर पाती। और आज मुझे अपने नेल पेंट भी हटाना है, अजीब सा नाखून लग रहा है ना। सुबह की मेरी दूसरी चाय है, मतलब पहले बनाई हो तो ऐसी होगी इनकी बुक के, और आज वैसे संडे है लेकिन ये चले गए हैं, सूखेंगे तब तक, मतलब जब तक मैं फ़ोन चलाऊंगी तब मेरा सब काम हो जाएगा, कपड़े भी 15-20 मिनट लगेंगे। और टमाटर वगैरह मैंने ऐसे रखे हैं धो के, और यहाँ पे ना डाइनिंग टेबल काफ़ी अच्छा लगता है रखा हुआ, कि बाहर से जो व्यू दिखता है वो बहुत मस्त। और ना अभी मैं ना पहले अपना काम करूँगा, उसके बाद मैं आप लोग के साथ ना कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो थोड़ा सा ऐसे बोलेंगे ना कि क्या हमको ज्ञान दे रही है ना, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ अगर रिलेशनशिप में हो, स्पेशली ये वीडियो सास ससुर अगर देखे तो मे भी हो सकता है मेरे को गलत समझो, तो मैं पहले साफ साफ वो बोलते हैं ना डिस्क्लेमर देते हो आपकी सास ससुर इस वीडियो को, हो सकता है वो मुझे कहीं ना कहीं गलत समझे, हो सकता है हर सास ससुर नहीं, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल कभी नहीं समझ सकती, वो मुझे इवन ये चीज़ें सिखाते हैं, जब हमारी शादी हुई थी मेरी सास ससुर से मुझे जितनी चीज़ें सीखने को मिली है ना, मैं बताऊँ अगर मैं काश शेयर करती शुरू में वो सब फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ बैठ के है ना, तो मेरे को लगता है कि शायद काफ़ी अच्छा। 15-20 मिनट के बाद अभी शेयर करती हूँ पूरी बात। कभी कभी गर्मी लगेगी, कभी कभी एकदम आप लेटे रहो तो ठंड लगती है, तो इसके लिए ना सोफे पे डाइनिंग टेबल के चेयर पे एक शॉल रखिए, सोफे पे एक वाइट वाली शॉल रखिए। जब भी मैं कई बार उठती हूँ तो पहले काम करेंगे तो गर्म लगेगा, मतलब मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे ही यार रखा था मैंने जमाने के लिए तो भी हुआ ही नहीं है, तो फिर मैंने इसको ना ढक दिया कपड़े के साथ, तो आज मैंने इसके ऊपर चिल्ला बनाया तो ये लगा, मतलब पहले मैं इसको ढक देती हूँ अच्छे से, दही जम जाएगा उसके बाद फिर मैं इनको ना धोऊंगी। ये कुछ कपड़े और हैं जो आज मुझे उठा के रखने हैं सर्दियों के, मस्त धूप आई हुई है और ना रात को मैं हम लोग ये खुला छोड़ते हैं ना, अभी ना मौसम मतलब समझ नहीं पाते हो आप, ठंड लगती है कभी कभी, बहुत गर्मी लगती है, बट प्लेजेंट वेदर है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने कपड़े डाल के रखने हैं अंदर, तो ये ऐसे कुछ बैग्स हैं जो मैंने रखे हुए थे खाली करके, मुझे पता था कि सर्दी जाने वाली है इतनी जल्दी चली जाएगी ये नहीं पता था। हाउसल पर लगा रही हैं झाड़ू। अभी मैं डालती हूँ कपड़ा, चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ जो मैंने भी तजुर्बे के साथ सीखी है,
एक बार ना हम चेन्नई गए थे, IIT चेन्नई, तो हम आपको मैं व्लॉग में बनाया था, हम मूर्ति सर के घर में रुके थे, तो ना उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी कि जैसे एक जो रिश्ते सब इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे मेरी मम्मी से प्यार नहीं है, मेरे भाई से, मेरी बहन से, है ना, मुझे प्यार है सबसे, है ना, लेकिन ये एक जो रिश्ता है ना जो अंत तक आपके साथ रहता है, वो माँ का रिश्ता तो है ही इम्पॉर्टेंट, उनकी करनी उनका देना तो हम कभी दे नहीं सकते, बट जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मोस्टली केस में क्या होता है कि हम लोग ना उस रिश्ते को निगलेक्ट कर देते हैं। यूजली ये चीज़ मैंने देखी है, ज़्यादातर लड़कियों के साथ ज़्यादा होती है, लड़कों के साथ भी होती होगी, बट मैं तो फिर लड़की हूँ ना, मुझे लड़की का ही पता है ना, मुझे लड़कों के बारे में मतलब वो तो एक्सपीरियंस लड़के ही बता सकते हैं, तो है ना, हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको भी खुश कर ले, मम्मी को भी, भाई को भी, बहन को भी, लेकिन जो मेन रिश्ता होता है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। हमको लगता है अब तो ये मेरा है, मेरी ही है ना। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में ये सीखा है, शुरू शुरू में हमारे साथ भी ऐसा होता था। मैं बताऊँ, कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी PG में या किसी के साथ अगर आपको रहना है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है ना। लेकिन मैंने बहुत सारे केसों में देखा, बस मेरी मम्मी, मेरी बहन, ऐसा बहुत होता है, और हम अपनी जो रियल लाइफ पार्टनर होता है उसको भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अपनी माँ को ना पूछो, अपनी बहन को ना पूछो, भाई को ना पूछो, कोई भी है, सास ससुर को ना पूछो, चाहे मेरी मम्मी है या मैं पति करती हूँ, मम्मी को ना पूछो, सास ससुर को ना पूछो, है ना। लेकिन उसके बीच में ना हम एक रिश्ता जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, हमको लगता है तो मेरा ही है, हम उसको निगलेक्ट करते जाते हैं, और बाकी सबको हम सराउंडिंग में कोशिश करते हैं दरवाज़ा ठा बजेगा कि वो खुश रहे हमसे, और वो लोग कभी भी खुश नहीं होते, और उस चक्कर में हम लोग अपनी पत्नी के साथ या फिर अपने पति के साथ अपना जो रिलेशन है वो ख़राब कर देते हैं। ये सब मैंने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी देखा है कि बोलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका रिलेशन होता है, जो अंत तक आपके साथ जाएगा। हमको पता है रियलाइजेशन कब रियलाइज होता है, जब हम 45-30 के हो जाते हैं, है ना, 35 के अराउंड, है ना, तब हम बताते हैं पति और पत्नी हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, और हम आज तक उनको ही निगलेक्ट करते आते हैं। मैं बताऊँ, अगर मैं खुश हूँ, मैं अच्छे से व्लॉग बना पा रही हूँ, तो इसके पीछे रीज़न है कि मैं मेरे घर में खुश हूँ, मैं मेरे यहाँ पर रहती हूँ, उन लोगों के साथ मैं खुश हूँ। या अगर आपका पति खुश है, आपकी पत्नी खुश है, तभी बाकी चीज़ें अच्छे से रह पाती है। इट्स ओके अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने नहीं जा पाते हो, बट अपने पार्टनर के साथ ज़रूर चाहिए, है ना। आई नो मे बी कुछ लोगों को गलत लगे कि तुम पर्टिकुलरली पति या पत्नी के सेंटर बात कर रही हो, मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, आप मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं सबको साथ में लेके ज़रूर चलती हूँ, मैं मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे मेरी मम्मी हो, मैं उनको तो हमेशा लेके जाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है उन लोगों के साथ जाना, है ना, लेकिन मैं उसके साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखती हूँ। बट कभी कभी ऐसा मैंने भी किया था कि मैंने मेरी सिर्फ फैमिली को ही ज़्यादा चीज़ें, लाइक कई बार होता ना, आप अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो, उस चक्कर में पार्टनर को भूल जाते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपका पार्टनर आपसे खुश है, आप उनसे खुश हो, आप उनकी खुशियों का ध्यान रखते हो, वो आपकी खुशियों का ध्यान रखते हो, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बाकी रिश्ते फिर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। और बाकी रिश्तों का मैं ये भी कहूँगी, जैसे एक तो ना हाथ को हाथ है, अगर वो मेरे को करेगा तो मैं उसको करूँगी, अगर वो मेरे को नहीं करेगा तो मैं भी उसको नहीं करूँगी, ये कुछ चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग है। और मैंने ना मेरे रिश्तों में, मैं इतना भी नहीं कहती कि एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए, जो मुझे लोग, मुझे पता चलता है मेरे लिए कुछ गलत बोल रहे हैं, मैं पर्टिकुलर अपनी बात कर रही हूँ, मेरे लिए कुछ गलत बोला, कुछ मेरे चीज़ों के लिए गलत बोला, मेरे हमारे मतलब मैं उनको ना मतलब ब्लॉक आई द्वारा एंटरटेन अपनी ज़िंदगी में नहीं करती हूँ, और ज़िंदगी से भी व्लॉग द्वारा ऐसा नहीं कि कहीं मिलेंगे तो हाँ ही करके बात करूँगी, नहीं, मुझे वो वाली बटरिंग होती नहीं है, पर मेरे को मेरे कुछ लोग सिखाते हैं कि ऐसे किया करो, बट कुछ जगहों पे करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि करनी चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे मैं नहीं करती हूँ। आज के मेरे व्लॉग के कहने का मतलब ये है कि अपने पति और अपनी पत्नी को खुश रखो, बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। रिलेशनशिप को अच्छा रखने का तरीका है, मैंने तो यही सीखा है, और बड़े बड़े लोगों से मैंने यही सीखा है, बच्चे हैं, बड़े होके कल को बाहर पढ़ने चले जाएंगे, जो काम आएंगे, जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, वो पति पत्नी ही होते हैं, उनमें सास ससुर भी हो सकते हैं। मेरी मदर इन लोगों को मैंने बोला मम्मी आप छोड़ो, मम्मी और बाबा ने बोला कि हम लोग को साथ में रहना है,
पापा जॉब करते हैं, मतलब शॉप पे हैं, तो वो शॉप छोड़ के नहीं आ सकते, आ सकते दो तीन दिन के लिए आ सकते, लेकिन इतनी दूर अभी वो ट्रैवल नहीं कर सकते। और उनको है कि मुझे मेरे ये वाला जो मेरा टाइम है, हम लोग का गोल्डन प्रेशियस टाइम है, हम लोगों को साथ में स्पेंड करना। तो यहाँ से कितनी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। मैं भी कभी जब घर पे होती हूँ ना, पहले तो मैं एक एक दो दो महीना रह लेती, अब मुझे थोड़ा सा लगता है यार रात को इतने बड़े घर अकेला है, बीमार हो गया बंदा, पानी दे देता है उठ के, सो चीज़ दिमाग में आती है, सब दिमाग में मेरे भरा है ना मेरे मदर इन लॉ ने। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे तुम दोनों साथ में हो, तुम दोनों खुश हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। वो हम लोग को ये सब चीज़ें मुझे मैं बोल रहा कि हम IIT चेन्नई गए थे, मूर्ति सर ने ये सब बोला था, आजकल इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सुनने को मिलता है। मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ कब से ये चीज़ हम लोग को बोलते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बेटा बहू खुश रहे, मैं खुश हूँ, मतलब ये मुझे कभी फोर्स ही नहीं करते कि तू उनको खुश कर या उनको खुश कर। हम मतलब इतना फ्री सब चीज़ें हैं ना, लाइक मेरे को टेंशन नहीं होती कि मेरे को उनको कॉल करना ही करना है या मुझे, मैं अपने मन से लेके जाती हूँ उनको अपने साथ। और वो उनका मेरी मदर इन लॉ का जो मेरे साथ रिश्ता है ना, वो मेरी वजह से है ना कि कहीं, और मेरा उनका रिश्ता उनकी वजह से है ना कि इसलिए कि वो इनकी मदर है मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसे वाले बर्डन मेरे ऊपर नहीं है, शायद इसलिए चीज़ें सब बहुत स्मूथ चलती हैं। आई डोंट नो मैं आपको जो एग्जैक्ट चीज़ है वो डिलीवर कर पाई कि नहीं कर पाई। भाई अपनी पत्नी को उसकी चीज़ों को सुनो, उसकी बात को सुनो और उसको इम्पोर्टेंस दो, अपने पति को भी इम्पोर्टेंस दो, बाकी चीज़ें सब बैलेंस हो जाती है। उनके साथ एक ट्रिप निकालो, घूमने जाओ, अगर व्लॉगर हो तब तो जा ही सकते हो, काम भी व्लॉगिंग हो जाती है ना, लेकिन नहीं भी हो तब भी ट्राई करो कि उनको इम्पोर्टेंस दो, अंत में वही काम आएंगी। आज तो आपको लगेगा ये है वो है, है ना, कुछ लोग मिलना यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मेरे भाई है, मैं वो उसको बोलूँ मम्मी 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 करता रहे, मेरे को बहन मैं उनको दोनों अपना बॉन्डिंग अच्छी बनाओ, अच्छे से दोनों लोग रहो। आप लोगों को आई नो थोड़ा लगेगा कि प्रियंका कैसी बातें कर रही है, मैं कभी भी ये नहीं कि मैं ना दूँ तो मैं फ़ोन करके, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो। मैं आपको बताऊँ बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, वो मैं एग्जैक्टली आपको बोल नहीं पाती हूँ। हुआ कभी बना उनको मेरी ज़रूरत है, मैं डेफिनेटली वहाँ पर जाके रहूँगी, जो मेरे से जितना बन पाएगा। अभी पापा को ऐसे कुछ चाहिए था तो मैं बैंक में जाके, मैं बोली मेरे 2 घंटे काम है, वहाँ पर जाके ट्रांसफ़र करके आई, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो मेरे को मेरा उनसे रिश्ता बन चुका है ना। तो ऐसे ज़्यादा मैं तो नहीं पता मैं डिलीवर कर पाई कि नहीं कर पाई हूँ। अंत में एक ही बात बोलूँगी कि भैया ध्यान रखो अपने रिलेशंस का, और ये बात बोलना मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, करंट जो सिचुएशन चल रही है, जो सिनेरियो चल रहा है, उसके ऊपर मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, ना ही मेरा उस पर कुछ बोलने का वो है ना। जो इंसान जिसको जो सही लगता है वो इंसान वो करता है ना। मेरे को शायद ये बातें बोलना अब सही लग रहा है, हर किसी की सिचुएशन मेरे जैसी तो नहीं है वो यही बातें सेम बोले, क्योंकि हर किसी को हर किसी का जूता पूरा नहीं आता है ना, हर किसी का साइज़ डिफरेंट है, पहनने का तरीका डिफरेंट है, मेरे गोडे से टक टक की आवाज़ आती है तो मेरे को जो पर्टिकुलर शूज़ होते हैं वो बहुत देख के पहनने पड़ते हैं। इसी तरह से हर किसी की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है। आई एम सो सॉरी अगर किसी सास को या किसी बहन को या भाई को मेरी ये ब्लॉग गलत लगा हो, पर मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, प्यार सबको है, सबसे मेरे को प्यार है, रिश्ता है सबसे, लेकिन जो नया रिश्ता बनता है। एक और चीज़ थी यार इंस्टाग्राम पे कि जैसे कि मेरे को मेरे भाई से प्यार है, कि मेरा भाई है, मेरे को मेरी मम्मी से प्यार है, वो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को मुझसे प्यार है क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया है, मैं उनकी बेटी हूँ, उनको मुझे प्यार करना ही पड़ेगा, और मैं उनको कुछ भी बोल दूंगी, मुझे कुछ भी बोल देंगे तो हम लोग फिर से ठीक हो जाएंगे। लेकिन पति पत्नी तो एक डिफरेंट घर से आते हैं, है ना, वो एक डिफरेंट घर से आती है, फिर एक जोड़ी बनती है, उनका जो प्यार होता है वो तो निस्वार्थ प्यार होता है। ऐसे तो माँ बेटे का प्यार भी निस्वार्थ होता है, पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप कैसे समझो, शायद समझ गए होंगे। बहुत कुछ कभी कभी कहने को मन कर रहा था पर मैं एग्जैक्टली वो नहीं कह पाती जो मैं कहना चाह रही होती। बाद में मैं एडिट करती हूँ व्लॉग को, मैं सुनती प्रियंका जो उन्हें डिलीवर करना था वो तो नहीं कर पाई, और जो नहीं करना था वो मैं बोल रही, दिल्ली वाले जो बोलती मेरे पूछ बोले मुझे मेरा जितना टाइम है ना मुझे मेरी मतलब वाइफ के साथ स्पेंड करना है, तो मुझे वो चीज़ें समझ में आती है और मैं रियलाइज़ कर पाती हूँ कि हम लोग भी इस पॉइंट पे पहुँचेंगे। लेकिन मुझे अभी से ये चीज़ें पता है कि भैया मेरे को मेरे पति का ध्यान रखना है, मेरे को मेरे पति का पता होता है कि वो मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते। ऐसा नहीं कि मैं उनके घर वालों के बारे में गलत बोलूँ या वो मेरे घर वालों के बारे में गलत बोलूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब बहुत लंबा हो गया, आई होप कि आप समझ के होंगे। सास ससुर या मेरी मम्मी देखेंगे होंगे क्या बोल रही है लड़की कई कई बार नहीं मिलती यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी मदर इन लोग के साथ एकदम हमारी सोचना एकदम
एकदम मिल जाती है। मेरी मदर ने बोली वाह तो कितनी अच्छी बातें कर रही है, एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रही थी। तो मेरी मम्मी के साथ मेरी सोच नहीं मिलती, मेरी मम्मी मेरे को जो कई बार बोली क्या बोल रही है तू, कैसी बातें कर रही है, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, बस सारी जिंदगी उनकी इसी में निकल जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग कहते ही हैं मैं कुछ बोलूंगी मेरा व्लॉग देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो अगर कुछ बात करेंगे वो अपनी जिंदगी में कुछ करेंगे, और यार हम ऐसे करें तो लोग क्या कहेंगे, हमेशा यही सोचते रहते हैं यही क्या करें। मतलब मेरे को जो करना होता है मैं वो कर देती हूँ, मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, बट हाँ आई ऑलवेज ट्राई कि मैं ऑनेस्ट रहूँ, किसी के साथ धोखा ना करूँ, रिलेशनशिप में कभी चीट मत करो और ईमानदार रहो, चाहे वो कोई भी रिलेशन है, चाहे मेरा मेरे हेल्पर के साथ है, चाहे वो मेरा मेरी मदर के साथ है, मेरी बहन के साथ, मेरी भाभी, मेरे ब्रदर के साथ। ज़्यादा इधर उधर की बातें ऐसे करना नहीं मुझे, स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छे से रहो, और कुछ अगर सामने वाला मेरे को पता चले तो मैं पहले बहुत मुफ्फट होती थी, अब नहीं हूँ, अब मैं डिप्लोमेसी के साथ चीज़ों को हैंडल करती हूँ, बट हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं ईमानदार रहूँ मेरे रिश्ते में, मेरे यूट्यूब में, मेरे चैनल में, मेरी जो भी चीज़ है उसमें। तब आपको डर नहीं होता, जब आप कुछ गलत करते हो ना आपको फिर अंदर से डर रहता है। बहुत सी बातें मैंने कह दी, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इधर उधर उसको जोड़ लोगे, बट मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी सी है, मेरी लाइफ सी है, अपनी चीज़ों से है, किसी और से इसका कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ईमानदार रहो, और जितना हो सके हम्बल रहो, चिल्लाने से या बहुत जोर से बोलने से, बहुत चलाकी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इंसान बोलते हैं ना जिस पेड़ को बहुत ज़्यादा फल लगे होते हैं वो हमेशा झुक के रहता है ना, झुकने से आप उतना ही ऊपर उठते हो, है ना। स्वस्थ रहो, हेल्दी खाओ, टिल देन बाय बाय।